नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले दिनों इस चैनल के माध्यम से मैंने एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से जुड़े हुए कई मुद्दों पर कई बार चर्चा की। मेरे कुछ ऐसे साथी जिनके पास पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स, तो वो मुझसे कई बार कह रहे थे कि आप डॉग से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से शेयर करें जिससे हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कोई जब हम जो चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें हम डॉग्स को खिला सकते हैं बिना सोचे समझे। खासकर हिंदुस्तान में वो डॉग ओनर्स जिन जो खुद जो है वेजिटेरियन हैं, तो वो अपने डॉग को मोस्टली वेजिटेरियन डाइट पर रखना चाहते हैं। वो चिकन या किसी तरह का मीट या एग्स वगैरह देने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो वो अक्सर अपने डॉग को कोई भी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह खिलाते हैं। साथ ही साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं वेजिटेरियन डाइट की जो उन्हें देते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन साथियों से निवेदन है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा और डॉग का, ह्यूमन और डॉग का एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत वफ़ादार है डॉग। हम लोग भले ही लोगों को गालियां देते हैं कि तुम कुत्ते हो या कुत्ते की मौत मरने की बात करते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि डॉग से वफ़ादार, डॉग से ओबीडियंट शायद ही कोई दूसरा एनिमल हो। एनिमल क्या, ह्यूमन बीइंग में हम कंपेरिजन करें तो डॉग की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन में भी नहीं मिलती हैं। तो क्या हम अपने डॉग को कुछ भी खिला सकते हैं वेजिटेरियन डाइट के नाम पे? कौन से ऐसे फल हैं जो हम अपने डॉग को बिना सोचे समझे खिला सकते हैं? मोस्टली लोग जो खुद खाते हैं सोचते हैं जब हम खा रहे हैं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे डॉग को क्या दिक्कत होगी। पर दोस्तों, आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें हैं जो आपके अपने अगर डॉग को देते हैं तो वो आपके डॉग को बहुत सीरियस बीमारियां दे सकते हैं। साथ ही साथ वो उसको डेथ के मुहाने पर भी ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करूँगा। और उसमें सबसे पहली वो चीज़ है जिसका नाम है प्याज। प्याज और लहसुन ऐसे दो कॉमन इंग्रेडिएंट हैं जो हिंदुस्तान की हर रसोई में मिलते हैं, और इनके स्वास्थ्यवर्धक गुण इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में रखते हैं, चाहे वो रॉ अनियन है या उसको एज ए सब्जी में या मसालों के तौर पे हम उसमें यूज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका डॉग एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा, अगर वो एक प्याज भी खा लेता है, एक बड़ा डॉग है, तो वो उसके लिए बहुत लेथल हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, आपको जैसे हम लोग अपने लिए प्याज खाते हैं कि गर्मियां हैं तो लू नहीं लगेगी, प्याज खा लो, या अपने टेस्ट के लिए सैलेड है, सैलेड में भी हमारा प्याज जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। प्याज में एक एन प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम का कंपोनेंट होता है जो डॉग्स के लिए बहुत टॉक्सिक है। अगर आपका डॉग जो है एक निश्चित अमाउंट प्याज का खा लेता है तो वो उसके लिए हीमोलिटिक एनीमिया का कारण बन सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया क्या है? हीमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि आपके डॉग की ब्लड सेल्स अपने आप जो है वो रप्चर होने लगेंगी, फटने लगेंगी, और जब RBCs जो हैं, रेड ब्लड सेल्स का रप्चर होने लगेगा, तो जो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो अपने आप ब्लड की रिड्यूस हो जाएगी, आपका डॉग एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो जाएगा। और कई बार जब आपका डॉग कई बार अगर अचानक प्याज खा ले या ऐसी कोई चीज़ खा ले जिसमें प्याज या लहसुन काफ़ी मात्रा में है, अनजाने में खा ले या आपकी गलती से खा ले, तो उसमें ऐसे लक्षण आ सकते हैं कि आपका डॉग लेथार्जीनेस शो करे, सुस्त हो जाए और बिना किसी वजह के वो थोड़ा खाना पीना अपना कम कर दे। और आप कुछ दिनों बाद जो डॉग्स जो है अगर प्याज की डाइट पे रखे हुए हैं, उनको प्याज मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप देखेंगे उनकी गम्स वो हैं वो उनमें पेलनेस आ रही है, मतलब उनमें पीलापन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका हीमोलिटिक एनीमिया, उनकी जो RBC है उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आपका डॉग अल्टीमेटली हीमोलिटिक एनीमिया का शिकार हो जाएगा। और कई बार
जो वेट्स हैं, अगर आप अपने जो आसपास का अच्छा डॉग प्रैक्टिशनर उसके पास ले जाने में आपने देर की और वो उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ समझ के बिना ब्लड टेस्ट के आधार पर इलाज करते रहे तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। तो कभी भी अपने डॉग को प्याज और लहसुन से, हमेशा अपने डॉग्स को प्याज और लहसुन से दूर रखना है, पहली बात। दूसरी चीज़ है, हम अपने डॉग्स को फल खिलाते हैं, एप्पल डॉग के लिए बहुत अच्छा है, कैरेट डॉग्स के लिए बहुत अच्छा है, इसी तरह जो और सब्जियां हैं, बीन्स हैं और आमतौर पे जो भी हरी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, कुकुम्बर है, ये डॉग्स बड़े शौक से खाते हैं और इनको खिलाने में कोई भी अभी तक कोई भी बुराई नहीं सामने आई। ये डॉग के लिए उनको फाइबर देते हैं, उनको विटामिन देते हैं और इनके अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आपका डॉग अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है तो इसको खिलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फल है दोस्तों, एक ऐसा फल है और उसको अगर आप अपने डॉग को खिलाते हैं तो वो भी उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो अभी तक पहचाने नहीं जा सके, लेकिन तमाम स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि वो आपके डॉग्स के लिए जहर है। ऐसा नहीं कि वो कि क्रोनिक डिजीज़ का कारण बनता है, वो एक एक्यूट डिजीज़ का कारण बन सकता है और आपका डॉग जो है किडनी फेलियर का शिकार हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर का शिकार होकर आपका डॉग मर भी सकता है। वो कौन सा फल है? वो फल है अंगूर यानी ग्रेप्स। हम अपने डॉग्स को कभी भी ग्रेप्स न खिलाएं और स्पेशली ग्रेप्स के साथ ही साथ जो इसका ड्राई फ्रूट बनता है, किशमिश जिसे बोलते हैं, रेजिन्स जो होते हैं, वो भी डॉग को कभी ना फीड करें, क्योंकि ग्रेप्स या रेजिन्स जो हैं इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डॉग के किडनी फेल्योर का कारण बनते हैं। आप क्या लक्षण देखेंगे? वोमिटिंग, डायरिया, लेथार्जीनेस, ये तो हर तरह की टॉक्सिसिटी में कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एन्यूरिया यानी आपके डॉग का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट जीरो भी हो सकता है। और जब आप उसको चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया लेवल जो है ये सब बढ़ा हुआ है और आपका डॉग जो है किडनी फेल्योर का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह की कंडीशन भी आपके डॉग के पास आ सकती है अगर आप उसको जाने अनजाने में किशमिश या अंगूर का सेवन करा रहे हैं। अब तीसरी बात क्या करते हैं, बच्चों के डॉग जो होता है बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली होता है, जो बच्चे खाते हैं हम मना भी करते रहें तब भी वो डॉग्स को खिलाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है चॉकलेट। चॉकलेट्स जो है बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और डॉग्स भी चूंकि मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसलिए बच्चे खुद चॉकलेट खा रहे होते हैं तो वो उनको एक आध पीस चॉकलेट का जरूर दे देते हैं। पर डार्क चॉकलेट या चॉकलेट जिसमें थियोब्रोमीन नाम का एक तत्व होता है, ये डॉग्स के लिए टॉक्सिक है। तो अपने डॉग्स को चॉकलेट से दूर रखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप उसको, आपके बच्चे आपकी प्रेजेंस या एब्सेंस में जाने अनजाने उसको रोज़ एक दो पीस चॉकलेट का दे रहे हैं तो धीरे धीरे आपके डॉग में चॉकलेट टॉक्सिसिटी, थियोब्रोमिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगे, वो बीमार होने लगे और आप इसको समझ ही ना पाएं कि किस वजह से आपका ये प्यारा पेट जो है वो बीमार होने लगा है। दोस्तों, चौथी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, इम्पॉर्टेंट कि जो डॉग्स को हमें नहीं देनी है, वो है ऐसे सिरप्स या ऐसी स्वीटनर्स जो कोई भी जिनमें ज़ाइलिटॉल हो, आप कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं, कोई सिरप दे रहे हैं या कोई ऐसी खाने की चीज़ दे रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ज़ाइलिटॉल मिला हुआ है, तो वो डॉग के लिए बहुत टॉक्सिक है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं, आप चाहें तो उन्हें सर्च कर देख सकते हैं कि ज़ाइलिटॉल बेस्ड जो चीज़ें हैं अगर वो डॉग सेवन करता है तो उसकी एक्यूट पॉइजनिंग के भी केसेस हैं, जिसमें कई बार कुछ परसेंट केस में डेथ भी रिपोर्टेड है। तो दोस्तों, आप अपने डॉग को बाकी क्या, बस ये मैंने दो चार चीज़ें बताई, बाकी आप उसे कुछ भी खिलाएं, आप उसे सेब खिलाएं, आप उसे खीरे खिलाएं, आप उसे बीन्स खिलाएं, सब कुछ ऐसा ही चीज़ें, इसमें डॉग्स तमाम फल और सब्जियां, बाकी जो मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं वो सब खा सकता है। कई बार कुछ डॉग्स में ये भी देखा गया, मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूंगा कि जो टमाटर है तो टमाटर का जो हरा पोर्शन है वो डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का होता है और कई बार डॉग्स को इससे बहुत इरिटेशन होता है, वो बहुत परेशान होते हैं
और डॉग्स टमाटर बड़े शौक से खाते हैं। मैंने खुद ऐसे डॉग्स देखे हैं जिनको उनके ओनर्स जो है थ्रो करते हैं और वो कैच करके टमाटर खा लेते हैं। तो आप टमाटर खिला सकते हैं, टमाटर बहुत अच्छे मिनरल्स का और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, पर हरा पोर्शन ना हो। जो टमाटर हो वो फुली राइपेंड जो होता है, पका हुआ टमाटर, लाल टमाटर आप अपने डॉग को खिलाएं। कभी भी वो टमाटर जिसमें हरापन है या लाल के अलावा अभी वो दूसरा कलर कोई शो कर रहा है, हरा या पीला सा, वो अपने डॉग को अवॉइड करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपने डॉग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस को फॉलो करें, और अगर ये आपको जो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले अपने उसमें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका डॉग किडनी फेल्योर से, किडनी फेल्योर का क्या साइन होगा, बिल्कुल वो यूरिन आउटपुट उसका कम हो गया, वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, और जो ब्लड की रिपोर्ट्स आई उसकी उन्होंने शो किया, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट थे कि अब ये जो है इसका क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिन लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। मैं आपको ऐसी कोई एक औषधि बताऊंगा जिसके सेवन से आप अपने डॉग को जो बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़ा है आप उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।